कौन ही गाएंगे अभी अंडर रैप्स है अब वी विल डिसाइड सून मुझे ऋषि कपूर के एक सवाल का जवाब देना है बोले खार डांडा में और बांद्रा में लव स्टोरी नहीं होती क्या उधर बर्फ नहीं गिरती भाई बर्फ गिरती तो रोमांस आता है बर्फ बर्फ गिराओ मैं उधर बनाता हूं सांता हां हां सर वही होता है ना कि मतलब मैं इधर बैठे-बैठे सोच रहा था एंड आई वांटेड टू आस्क अंकित कि किसी ऐसे यू नो बाहर के स्टार को लाके गाना गवाना उसको हिंदी सिखाते वक्त आप अपने बाल खींच लेते हो या वो आपके बाल खींच लेता है व्हाट इज द टफ पार्ट डिपेंड करता है कि हिंदी आपके बाल तो अच्छे हैं हां एग्जैक्टली तो मैंने अपने नहीं खींचे उनके भी बाल देख लो समझ में आ जाएगा किसने डज ही बड़ी डज ही सिंग लाइक दैट यार ही इज अब ब्रावो की बात कर रहे हैं आई एम श्योर यस तो आई थिंक सी कुछ चीजें ऐसी होती हैं म्यूजिक की अगर बात करें जो बहुत बेसिक होती हैं जिसको कोई भी गुरु सिखा नहीं सकता है वो होती है कि एक रिदम में होना 1 2 3 और एक नोट पे गाना हमें पता होना चाहिए कि हम गलत गा रहे हैं सही गा रहे हैं इतना अगर हमें पता है तो हम आगे सीख सकते हैं ये बेसिक है तो उसको उतना पता है उसके नोट्स गलत नहीं है और उसका यू नो रिदम परफेक्ट है तो ये इतना काफ़ी था बाकी पकड़ना क्योंकि उनका चैम्पियन बहुत हिट है हम सबको पता है तो और मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था बॉलीवुड चैम्पियन एक हिंदी वर्जन बनाया था उनके साथ तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई थी सो या फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया सबसे देन हमने डब किया है ब्रावो को लेट्स सी एक और सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा वहाँ बैठे बैठे आपके पास कड़क डायलॉग्स हैं बहुत अच्छी स्टार कास्ट है बहुत अच्छा म्यूजिक है लोकेशंस एवरीथिंग आप ये मूवी कोई भी नाम के साथ रिलीज कर सकते थे व्हाई यू तुम बिन ओनली ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली नहीं है नहीं 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 एक्चुअली ये फिल्म की तो बर्थ ही तुम बिन के साथ हुई है सो इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि पहले कहानी चुनी और फिर तुम बिन चुना ये मतलब मैं और भूषण जी बात करते रहते हैं दूसरी फिल्मों की भी लेकिन ये जो एक वार्तालाप था ये स्पेसिफिकली तुम्बिन के मुतालिक कि तुम्बिन मनाते हैं और इनकी पहली फिल्म थी तुम्बिन भूषण जी की ज़्यादा लोगों को याद नहीं इन्होंने 50,000 फिल्में बना दी उसके बाद तो लोग भूल गए लेकिन तुम्बिन इनकी भी पहली फिल्म थी मेरी भी पहली फिल्म थी तो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल थी मेरी माँ को बहुत पसंद थी ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली वो मैं उनको दिखा नहीं पाऊँगा लेकिन तो उनके लिए भी है तो ये शुरुआत एक्चुअली तुम्बिन बनाते हैं से हुई थी और फिर तुम्बिन के लिए कहानी लिखी थी उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी और लव स्टोरी बना के उसको तुम्बिन नहीं कह सकते तुम्बिन से कुछ चीज़ें कुछ लोग अपने साथ लेके गए थे और 15 साल अपने साथ रखी हैं कुछ चीज़ें वो चीज़ें दोबारा डिलीवर होनी चाहिए वो सबसे बड़ा चैलेंज था जो मुझे ऐसा फील होता है कि हुआ है वो 18 नवंबर को पता चलेगा 17 से पता चलना शुरू हो जाएगा एक्चुअली अंकित जी इधर आपके पास जब कोई फिल्म आती है तो आप पहले उसके म्यूजिक बनाना पसंद करते हैं या गाने लिखने के बाद उसके अनुसार म्यूजिक बनाते हैं सर डिपेंड करता है कभी कभी लिरिक्स पहले मिल जाते हैं तो हम म्यूजिक बना देते हैं कभी कभी ट्यून तैयार हो जाती है तो हम मनोज जी को दे देते हैं मनोज जी ने बहुत बहुत खूबसूरत गाने लिखे हुए हैं इस फिल्म के और बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस है इसका कोई रूल नहीं है एग्जैक्टली कभी कभी क्या होता है कि मनोज ने गाना लिखा अंकित ने कंपोज किया धुन बन गई अचानक मनोज ही कह रहा है कि नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा मुझे मैं इसको दोबारा लिखूंगा तो वो दोबारा लिख देगा या मनोज ही नहीं कोई भी लिरिसिस्ट ये बहुत एक बड़ा गिव एंड टेक प्रोसेस और म्यूजिक को लेके आई थिंक प्री प्लान करना गलत है आप जैसा मूड है वैसा बस आप करते जाइए बहुत अच्छा होता है इस फिल्म के लिए अनुभव जी को संतुष्ट करना कितना मुश्किल था या क्या म्यूजिक को लेकर अब ये अनुभव बताएंगे कितने संतुष्ट मुझे राक्षस की तरह क्यों साउंड कर रहे हो उसका अनुभव सॉरी इसका जवाब इतना सा है कि मुझे नहीं लगता किसी भी गाने के लिए एक या दो से ज्यादा ऑप्शन बने हैं गाना बना है और मुझे अच्छा लगता है गाना बनने के प्रोसेस में रहने का तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि आप गाना बना के लाइए फिर मुझे सुनाइए फिर मैं बोलूँगा अच्छा बुरा तो मैं गाने की बनने के प्रोसेस में होता हूँ तो उसका इंसेप्शन स्टेज से मेरा खुद का एक इंडोर्समेंट और अच्छा होता है तो मैं अगर ये बोलता है कि मैंने परेशान किया तो झूठ बोल रहा नहीं मैं इस
थुम्बिन टू की म्यूजिक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जरूर शेयर करना चाहूँगा. इसका म्यूजिक जो इतने गाने बने हैं सर, साढ़े छः इन द सेंस कि मतलब छः तो ऐसे प्रॉपर बॉलीवुड गाने हैं और एक गाना है जो बहुत स्पेसिफिकली एक सीन के, वो तो गाने की तरह ट्रीट नहीं किया गया है पर उसको गाना है और वो सबको बहुत पसंद है. अभी गाना हो चुका है वो. और पूरे म्यूजिक हमारे बनने के प्रोसेस में मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब ये म्यूजिक कंपनी है वो अलग बात है, लेकिन भूषण जी के जो कान हैं उनका मैं बहुत कायल हूँ. तो मैं और अंकित गाना बना के और फिर उसके बाद ये क्योंकि हमारी पहली ऑडियंस होती है भूषण कुमार एंड वी बिलीव ही हैज गॉट अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक. सो व्हेन वी प्ले इट टू हिम देयर इज ऑलवेज एंग्जायटी, इज इट रीचिंग टू द ऑडियंस और नॉट, एंड सो दैट एसोसिएशन इज यू नो बिसाइड्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉन्ग. एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ही इज भूषण कुमार एंड ही इज the owner of T-Series and all of that. I'm actually talking about it as a collaborator. And you know, nobody asked me this question. I needed to say this. And then the call came. Ankit Good Mix didn't send it, sir. And this is a very good thing, sir, that the process is so much. Demo, lyrics, how much final was, Antrek lyrics, Mughlik lyrics, leave Antrek lyrics, sir. So this is a very good thing. Okay, I want to say one thing to you. This music, like जितना मैंने सुना है, पहले म्यूजिक बनता था कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट साथ में बैठते थे और म्यूजिक सेटिंग होती थी. इस फिल्म का म्यूजिक ऐसे ही बना है. मैंने इस फिल्म का एक भी गाना घर पे बैठ के यू नो सर मैं भेजता हूँ आपको, मैं भेजता हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं है. हम लोग एक ही जगह पर बैठे हैं, भूषण जी सामने, अनुभव सर सामने बैठे होते थे और हम लोग गाने बना रहे होते थे और गाने वही लॉग होते थे. सो ये मेरे लिए एक नया यू नो नया एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को लेकर. अनुभव या स्ट्रेट तुम्बिन वाज अ ग्रेट लव स्टोरी यू नो विद ग्रेट म्यूजिक. व्हाट हैव यू रिटेन्ड फ्रॉम तुम्बिन एंड डू यू थिंक दैट यू नो यू आर कैशिंग ऑन द टाइटल एज वेल. साउंड नेगेटिव, यस एंड नो. I mean, one would end up cashing in on the success of the first one. That's why you make the second. But I don't think it's a very negative endeavor. It's you can also look at it as a tribute to your own creation. That is the second half. First half, kya tha madam? Sorry. Kya kya reading kya hai? Wo bada mushkil hai batana. Matlab abhi main batane jaunga to wo bahut clinically mujhe aapko bahut sare details is film ke batane padenge jo mujhe is samay nahi batane chahiye. बट आप, मैं ये वादा करता हूँ ऑडियंस से कि आप फिल्म देख के निकलेंगे तो आप एक नई फिल्म देख के निकलेंगे, लेकिन आप तुम भी देख के निकलेंगे. तो ये रिटेन किया है. अनुभव सर सामने आपके. मेरा सवाल था कि रावण भले ही दर्शकों को इतनी पसंद नहीं आई हो, लेकिन जो रिस्क लिया गया था, लोगों ने तारीफ की थी फिल्म की, तो क्या आगे चलकर भी आप कोई सुपर हीरो नेचुरल पावर पर कोई बनाने वाले हैं या प्लान आउट किया है? ये बात बात करेंगे आज तुम की बात करेंगे. अंकित, अगर दो लाइन आप कोई भी गीत गुनगुना दें, तुम्बिन का या तुम्बिन टू का, लेकिन प्रेस कॉन को अंजाम दे सकते हैं. गाना सुना देंगे हेलो सर, वन वाले का आज मैं आप लोग रिकॉर्ड करके फिर बजाओगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, हमारी वन लग जाएगी. वन वाले जितना मतलब जितना हमने सुना है मैं उतना. यारा तुम बिन जीने में सांसे चुभे सीने में, तुम बिन जिया जाए ना, तुम लेकिन मैंने ये एक स्टेज और ये
माहौल में पूरी टीम के साथ एक फोटो खींचना चाहता हूँ, आपको नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हमारे लोग खींचेंगे, तो प्लीज तीन बार बर्दाश्त कर लो, जल्दी आ जाओ पूरी टीम, दिस इज फॉर अस, थैंक यू गाइस, एंड देन रिश हैज समथिंग मोर टू से। पूरी टीम कामो, एडिटिंग टीम, इवेंट टीम, मुकेश चावला फाइनली हियर, जिसके बारे में बातें की, स्टार है ना वो, आया सारे आ गए, कोई बचा तो नहीं, प्रिया आ गई, शिल्पा, शिल्पा इज द कोरियोग्राफर ऑफ द फिल्म, फोटोज खींचे हैं, दे हैव सम टैलेंट हाउ टू डू दिस, दे आर ब्रिलियंट, कभी डायरेक्टर की भी फोटो खींचे अगर तुम लोग, सेम स्टार का कृष्ण कुमार सर, कृष्ण एकदम स्टार स्टडी जर्नलिज्म हो रहा है, नहीं अपने सारे मीडिया के भाई बंधुओं को बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, इतना आपने कोऑपरेशन दिखाया और इस मूवी की सक्सेस के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट पूरी टीम को, और इतना अच्छा लगता है आप में से एक भी फोटो लेते हुए खड़ा हो जाता तो उसको जो अपशब्द पढ़ते हैं, कितना प्यार है आप लोगों में, सोने वाली हैं।